वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इस टॉपिक से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 36 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये जो है पार्ट टू है हमारा। जो टॉपिक हमने पकड़ा है, टॉपिक का नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर मूवमेंट भी कह सकते हैं। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन जो है पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। द साइंस ऑफ थियोसोफी, द साइंस ऑफ थियोसोफी इज, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑर्डिनरी साइंस, नेचुरल साइंस, अकल्ट साइंस और फिजिकल साइंस। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज, कौन सा है राइट आंसर? राइट आंसर है आपका अकल्ट साइंस। ये साइंस ऑफ थियोसोफी जो है उसे जो है क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस इज द राइट आंसर। साइंस ऑफ थियोसोफी, अकल्ट साइंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वाज क्लोज सेट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वाज क्लोजेस्ट द हर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान, जिसे कहते हैं ना क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वाज क्लोजेस्ट द हर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान। हेयर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, सोशल रिफॉर्म्स, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। सर सैयद अहमद खान जो थे, इनको कौन सा जो टास्क है इनमें से वो सर्वप्रिय था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उनको अच्छा लगता था, दिल से जो है उसको करना चाहते थे। तो हेयर राइट आंसर इज प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। दिस इज द राइट आंसर। प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वाज क्लोजेस्ट द हर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर इज प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। किसने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इन द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बहरम जी एम मालाबारी। बहरम जी एम मालाबारी इज द राइट आंसर। बहरम जी एल मालाबारी इज द राइट आंसर। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। बहरम जी एम मालाबारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड इन द ईयर। द ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड इन द ईयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1932। यहां पे 1932 इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड इन द ईयर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द माउथ पीस ऑफ न्यू आर जंग बंगाल मूवमेंट वाज ए जर्नल कॉल्ड। द माउथ पीस ऑफ न्यू आर जंग बंगाल मूवमेंट वाज ए जर्नल कॉल्ड। तो यहाँ पे न्यू बंगाल लिखा है, बंगाल स्पेक्टेटर लिखा है। राइट आंसर इज बंगाल स्पेक्टेटर। द माउथपीस ऑफ न्यू आर जंग बंगाल मूवमेंट वाज ए जर्नल, जिसे क्या कहते थे, बंगाल स्पेक्टेटर। स्वामी विवेकानंद एड्रेस्ड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एट शिकागो इन द ईयर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना।
स्वामी विवेकानंद एड्रेस्ड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस एट शिकागो इन द ईयर, यहाँ पे राइट आंसर इज 1893। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वाज द लीडर ऑफ द चिटागोंग आर्मरी रेड? हु वाज द लीडर ऑफ द चिटागोंग आर्मरी रेड? हे राइट आंसर इज सूर्य सेन। ये क्या थे? लीडर थे किसके? ये लीडर थे चिटागोंग आर्मरी रेड के, नाम था इनका सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग अडॉप्ट द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट इन विच सेशन? द मुस्लिम लीग अडॉप्ट द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट इन विच सेशन? राइट आंसर इज कराची सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन जर्नलिज्म? यहाँ पे ऑप्शंस आ राजा राममोहन राय, दादाबाई नरोजी, जेम्स अगस्टस हिकी और बी जी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जेम्स अगस्टस हिकी। हु वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन जर्नलिज्म? राइट आंसर इज जेम्स अगस्टस हिकी। द फेमस प्ले नील दर्पण वाज रिटन बाय? द फेमस प्ले नील दर्पण वाज रिटन बाय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर सारत चंद्र बोस, बी के चटर्जी, एन के थापर और दीन बंधु मित्रा। यहाँ पे द फेमस प्ले नील दर्पण वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका? हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका? राइट आंसर इज शिशिर कुमार घोष। हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका? राइट आंसर इज शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स काज द ग्रेटेस्ट रेशियल डिफरेंस इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स काज द ग्रेटेस्ट रेशियल डिफरेंसेज, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने बहुत ज्यादा जो है रेशियल डिफरेंसेज पैदा कर दिए इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे राइट आंसर है द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रावर्सी। द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रावर्सी एक ऐसा फैक्टर है जिसने बहुत ही ज़्यादा रेशियल डिफरेंस जो है पैदा कर दिए भारत में बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? तो द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रावर्सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु फाउंडेड ए नेशनल जिम्नासियम इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी? हु फाउंडेड ए नेशनल जिम्नासियम इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी? तो यहां पे राइट आंसर इज नाभा गोपाल मित्रा इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो नाभा गोपाल मित्रा है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हु फाउंडेड अ नेशनल जिम्नासियम इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? 19th सेंचुरी जब हाफ जो है हो चुकी थी, यानी कि 19th सेंचुरी जो है वो हाफ बीत जाने से थोड़ा सा पहले क्या हुआ कि जो नाभा गोपाल मित्रा थे इन्होंने क्या किया था कि नेशनल जिम्नासियम जो है उसको फाउंड किया था, उसकी स्थापना जो है वो कर की थी।
द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, आरसी दत्त, विलियम डिग्बी, डी आर गडगिल और दादा भाई नरोजी। द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज दादा भाई नरोजी, वेल एजुकेटेड थे उस समय पे ये। तो द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिशेंट दरबार वाज। राइट आंसर यहाँ पे आता है जॉर्ज बी, इसको आप जॉर्ज फाइव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली, सिर्फ एक ही राजा ऐसे थे जो इंडिया में जिन्होंने विजिट किया अंग्रेजों के शासनकाल में, और उन्होंने जो है एक बहुत ही जबरदस्त जो है दरबार यहाँ पे लिया, तो उनका नाम था जॉर्ज बी। यहाँ पे राइट आंसर आता है आपका जॉर्ज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1938 वाज पुट फॉरवर्ड बाय। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1938 वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने दिया था ये? हियर राइट आंसर इज एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मर्डर्ड द कर्जन बिली इन लंदन। किसने मर्डर किया था कर्जन बिली का लंदन में? तो यहाँ पे बी एन चटर्जी है, उसके बाद में एन के बोस है, मदन लाल ढिंगरा है, सूर्य सेन है। राइट आंसर इज मदन लाल ढिंगरा। मदन लाल ढिंगरा मर्डर्ड द कर्जन बिली इन लंदन। हु मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट। हु मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है स्वामी सहज नंद सरस्वती। स्वामी सहज नंद सरस्वती मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट। स्वामी सहजनंद सरस्वती मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939 बाय डिफीटिंग किसको हराया था उन्होंने? सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एट द त्रिपुरी सेशन इन 1938 बाय डिफीटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका डॉक्टर प्रतापी सीतारमैया को जो है इन्होंने हराया था। डॉक्टर प्रतापी सीतारमैया को इन्होंने क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन पॉलिटिकल वेपन्स यूज बाय द मॉडरेट नेशनलिस्ट टू एक्सर्ट प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर है स्वदेशी एंड बायकॉट। बट वाज द मेन पॉलिटिकल वेपन, जो मेन पॉलिटिकल वेपन थे वो थे स्वदेशी एंड बायकॉट यूज बाय द मॉडरेट नेशनलिस्ट टू एक्सर्ट प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमंग द अर्ली रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट फेस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि अमंग द अर्ली रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट फेस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आंसर इज अनुशीलन समिति।
अनुशीलन समिति जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेब्रवरी 21, 1915 वाज फिक्स्ड एज द डेट फॉर एन आर्मर्ड रिवोल्ट बाय द गदराइट्स इन फेब्रवरी 21, 1915 वाज फिक्स्ड एज द डेट फॉर एन आर्मर्ड रिवोल्ट बाय द गदराइट्स इन। राइट आंसर इज जो गदर पार्टी के सदस्य थे इन्होंने 21 फरवरी 1915 को जो आर्मर विद्रोह है वो इनकी डेट क्या थी 21 फरवरी 1915 थी वो भी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर हुज लीडरशिप वाज द नेम ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। राइट आंसर इज चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एसोसिएटेड। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एसोसिएटेड विद द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो डिप्रेस्ड क्लासेस इज द राइट आंसर। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एसोसिएटेड विद डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉर हिज यूनिक कर्ज एंड फाइटिंग क्वालिफिकेशन हु अर्नड द अफेक्शनेट होनरिफिक ऑफ बाघ जिसे कहते हैं टाइगर। तो टाइगर का जो उपाधि है वो किसको दी गई थी यहाँ पे। राइट आंसर इज जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। देखो इनको टाइगर की उपाधि दी गई थी। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक है। फॉर हिज यूनिक कर्ज एंड फाइटिंग क्वालिफिकेशंस हु अर्नड द अफेक्शनेट ऑनरिफिक ऑफ बाघ दैट इज टाइगर। राइट आंसर इज आप जतेंद्र नाथ याद रखना, जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर इज डेविड हरे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। आंसर इज डेविड हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन। तो राइट आंसर है द बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था उसमें ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई फॉर हिज ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन द बारदोली सत्याग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्स्ट कम्युनल कार्नेज एज अ रिजल्ट ऑफ द मुस्लिम लीग्स कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे टुक प्लेस इन। तो द वर्स्ट कम्युनल कार्नेज एज ए रिजल्ट ऑफ द मुस्लिम लीग्स Call for Direct Action Day took place in Calcutta. The popular movements in various princely states were launched by the local organizations known as. जो popular movements थी जो के various princely states में launch की गई by the local organizations उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया princely mandalas. मंडल्स, प्रिंसली मंडल्स, प्रिंसली मंडल्स, मंडल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कानपुर कॉन्फ्रेंस विच इज रिगार्डेड एज द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ।
दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज हेड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ दी कानपुर कॉन्फ्रेंस विच इज रिगार्डेड एज द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ राइट आंसर इज सिंगार बेलू चैतियर सिंगार बेलू चैतियर इज द राइट आंसर द कानपुर कॉन्फ्रेंस विच इज रिगार्डेड एज द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ सिंगार बेलू चैतियर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज दैट क्या उनका जो है मेजर डिसएग्रीमेंट क्या था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज दैट क्या था तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारे पास राइट आंसर इज द कांग्रेस फेल्ट दैट द ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस वॉज ऑप्शनल वाइल द लीग वॉज ऑफ द व्यू दैट इट वॉज कंपल्सरी ठीक है कांग्रेस फेल्ट कांग्रेस ने ये बात जो है महसूस की कि ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस वॉज ऑप्शनल वो उनके हाथ में है ऑप्शनल है जबकि लीग ने ये बात सोच ली कि भाई लीग वॉज ऑफ द व्यू और इसका ये विचार था ये इनका वो था मानना था कि भाई दैट इट वॉज कंपल्सरी कि ये जो है बहुत ही जरूरी है कंपल्सरी है दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लॉर्ड वावेल वॉज रिप्लेस्ड बाय जो लॉर्ड वावेल के बाद में कौन आया था लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वावेल वॉज replaced by Lord Mountbatten is the right answer. Abhi next question hai, who was given the financial portfolio in the interim government of 1946? Financial portfolio jo hai wo kisko diya gaya tha? In the interim government of 1946. Right answer is Liaquat Ali. Bahut important question hai. लियाकत अली वाज गिवन द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन द इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन तो यहाँ पे राइट आंसर इज जुलाई 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जुलाई 1947 इज द राइट आंसर ठीक है फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचे फ्रेंड्स ऐसा है अगर आपको लगता है कि ये जो MCQs हैं आपके काम के नहीं हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ ओनली वेस्टेज ऑफ योर टाइम यहाँ पे मुझे आपके व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे जो है आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो भी नहीं चाहिए मुझे आपके लाइक्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए आपकी सक्सेस जिस भी चैनल के ऊपर यहाँ कहीं भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम प्लीज़ आप उसको जो है रिवाइज़ कीजिए बट आप अपने मिशन में जो भी आपकी एम है उसको पाने में आप कामयाब होइए अभी जो है आप जैसे कह सकते हैं कि ढीला मत होइए बिकॉज ओनली वन मंथ इज रिमेनिंग अगर देखा जाए तो अप्रोक्स मान के चलते हैं एक महीना बाकी है आपके एग्ज़ाम में ठीक है बिकॉज जुलाई के बाद में आपके एग्ज़ाम की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी सो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली ठीक है ये जो अभी हम जो वीडियोस बना रहे हैं सारी की सारी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बना रहे हैं वो भी टॉपिक वाइज सो मेरे को तो लगता है कि भाई अगर हम 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक कौन सा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता है इससे बाहर को क्वेश्चन आने वाला है बिकॉज हार्डली एक या दो क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक से आ सकते हैं तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इन एमसीक्यूज को कम से कम दो तीन बार रिवाइज़ कीजिए बिकॉज यही एक ऐसी सेक्शन है जो आपको 30 में से
मिनिमम 25 मार्क्स जो है दिला सकती है। सो ये जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो सेक्शन है, इसमें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपकी सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाली है ये सेक्शन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।